अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अफसल बट्टू तो तुम वेखते पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। तो किसान वीर भराओ, अज आप मौजूद हैं लाहौर शहर में, तो अल अनायत एंड सनज उन्होंने जरिए हालात ने जनाब बना दे गए ने, लेजर किराए वगैरह, रूटर, हर तरह का जरिए हालात जो किसानों की जरूरत है। तो जिस तरह तुम्हें पता भी कणक के सीजन तो बाद मुंजी का सीजन आ जाता है, मेरी नज़र पई है जनाब मुंजी लगाने वाली मशीन पर, क्योंकि लेबर जी है ना ज़्यादातर खास करके सियालकोट वाली साइड से लेबर लभदी नहीं, साढ़े पास लभ जाती है, लेकिन वह भी ना अपने अपने ठेकेदार बना के अपनी लेबर न इस साइड से ना शिफ्ट कर देंगे सियालकोट वाली साइड से, जिसकी वजह ना सानू भी प्रॉब्लम आती है, तो मजदूरी बड़ी महंगी हो गई, तो नायाब हो गई लेबर। तो यह मशीन जी नज़र आई है, ये बारे मालूमात लेने ज़ुबैर भाई तू भी, ये मशीन किन्ने टाइम लगाती है ये बारे दसते ने सानू, तो इतने सामने आया जी ज़ुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, तो मैं एक तरह तुम्हें मुबारकबाद देना, क्योंकि साढ़े मुल्क में लेबर जी है ना नायाब हो गई है, तो बड़ी महंगी है। तो इंज समझो भी एक किसान कहता भी मेरे को 10,000 ले लै, दूजा कहता मेरे को 12 ले लै, तो मेरे वाल आ मेरी मुंजी लगे, क्योंकि पानी जड़े ना वो दरियावान हैं कौन ही, दरिया सुके पे ने, सोलर सिस्टम लगाए ने लोगों ने, बास ने, बिजली के भारी भारी बिल आते हैं, तो किसान की कोशिश होंगी भी जल्द अज जल्द दिनों का काम घंटिया निबड़े, तो यह मेरा ख्याल मशीन घंटिया ही करेगी इंशाल्लाह। ये बारे जी सानू दसो। अच्छा, ये मशीन राइस ट्रांसप्लांटर कही जाना, ठीक है जी। ए तरीकाकार यह होंगे कि इनू पहले ट्रेवों के मतलब मुंजी जी पनीरी वो बीजी दी है इन्होंने ट्रेवों के उत्ते। अच्छा, फिर वो जो ट्रेवं जो ये लग जा, ठीक है। इतने ये इंजन लगा है, इंजन इन स्टार्ट करके जरा ना इनू अपना अपना वो पिछे जरा ना एक एक पीस एक एक चोभा करके लाता रहता, ठीक है जी। जी जी, ये इनका तरीकाकार है अपना। अच्छा, एक मशीन का एक कितने हॉर्स पावर है? ए दे 15 हॉर्स पावर का इंजन होता है। अच्छा, ये पेट्रोल पे चलती है? पेट्रोल पे चलती है। ए दो ऑप्शन है, पेट्रोल भी होता है डीजल भी होता है, डीजल, लेकिन ये पेट्रोल पे चलती है। दूसरा, ए दे अंदर चार हेड लगे ने, चार एक वक्त ते चार लाइनें लाएगी, चार लाइनें लावेगी। ये छोटी मशीन है? हां, ये इस तो बड़ी भी होती है, वो तो इस तो तुरन वाली भी होती है, 6 वाली भी होती है, वो ये अंदर मतलब मुख्तलिफ मशीन। अच्छा, इस मतलब हैंडल के जरिए चलाई जाएगी? पिछे एक बंदा चुरेगा तो एक वक्त चार मतलब ला के चला जाएगा, जिम्मे एक बंदा एक चोभा लाता है चार चोभे ला के चार मतलब चार लैना। तो यह कोई अंदाज आया भी तुम एक एकड़ किन्ने टाइम बंदा लगा सकता है? एक दिन एकड़ 8 घंटे को बंदा काम करे ना, 3 से 4 एकड़ आराम ना कट जाता, 3 से 4 एकड़। अच्छा, उनका फायदा है, एदा फायदा एक और भी है ना, जो है कि एक भी तो आम बंदा लाता है ना, मतलब अपना मूंजी लाता है तो ज़्यादा 25 से 30 हज़ार जरा ना पौधा लगता है एक एकड़, ठीक है जी। लेकिन ये मशीन के नाल 60 से 70 हज़ार पौधा लगा सकते हो, यानी पौद्या की तादाद बढ़ जाती, एक बराबर लाइन के लगता है, वो वजह तो फिर झाड़ भी बढ़ जाता है, पैदावार ज़्यादा हो जाए, पैदा यानी पौधे ज़्यादा लगन गए तो ज़्यादा झाड़ आ जाएगा, वो कि घट कि वध कि हथ मतलब अगे कभी पिछे, तो वो मतलब 20 से 25 हज़ार तो ज़्यादा पौधा नहीं लगता। अच्छा, ये कोई गेयर सिस्टम भी है या बस? नहीं, ये अंदर इंजन लगा, इंजन के पिछे हैड लगे ने जी, हैड जड़े ने मतलब एक एक पीस खड़ के लाते रहते हैं, बाकी मतलब स्पीड बताई घटाई जा सकती है? स्पीड इतों स्पीड ये कंट्रोल है, फिर यह जैक लीवर इस तरह मतलब लगे ताकि ना अगे पिछे कहीं किया जाए। अच्छा, ये वास्ते जी पनीरी होंगी है वो मखसूस होंगी है? नहीं, आम मतलब पनीरी है इन्होंने ट्रेवों से काश्त करनी है, वो तुम पहले जिम्मे आम काश्त करी है ना जी जी, इन्होंने ट्रेवों से करते एक एकड़ के 100 ट्रे लगती है, तो 100 ट्रे जी कम अज कम 3 से 4 साल चल जाती है। तो ये ट्रे किन्ने की लगेगी थोड़े को लगनगी? मेरा ख्याल है कि ट्रे का जो खर्चा है ना जी, हूँ 3,000-3,500 किले का खर्चा ट्रे का। अच्छा, लेकिन इनू तुसी अगर 3 ते तकसीम कर दो तो 1,000 रुपए किले का खर्चा आ गया समझो ट्रेवा का। हां, वो बीज 1,000 रुपए किले का यह खर्चा ला लो, बाकी बस लवाई है ये ज्यादा, और बीज उहदे च भी तुसी यूज करना है, इहदे च भी यूज करना है, इहदे जिहड़ा फालतू चीज़ वो सिर्फ ट्रे का खर्चा है, ट्रे का खर्चा है, उहदे नाल फिर तुहाडा झाड़ भी वधदा है, अगर ये सारिया चीज़ा कैलकुलेट कर लो ना तो सस्ती पैंदी है। अच्छा, ये दसो भी इहदी कीमत किन्नी है? इनकी कीमत आज के मुताबिक आज इसकी कीमत 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख रुपये, तो ये नाल दे ट्रेवा किनिया दोगे? ट्रेवा जड़िया ना वखरी लैनिया पैन, वो अलग लैनिया पैन, ये एक होर मशीन भी लगती है जिदे जिदे नाल जड़ी है ना वो पनीरी काश्त करी दी है, सीडलिंग मशीन सीडर के सीडलिंग होंगी मशीन ना, वो ट्रे वे लग जाती है, उत्ते बीज पा दीता, एक बंदे मिट्टी पा दीता, बीज मिट्टी कट्ठी ट्रे दे फिल हो जाती, और नाल ट्रे जी है ना ट्रेवा लाई जाती फील्ड से, वो अपने छोटी मशीन 4 लाख रुपए की मशीन है मुकम्मल, तो सैट की गल करो तो 10-10.5 लाख रुपए का सैट है।
मतलब भी जिस तरीके महंगाई है, अगर कोई बंदा 10 लाख इन्वेस्ट कर दे तो मेरा ख्याल दो सीजन में पैसे पूरे बेहतरीन पूरे बात फिर फ्री है मुनाफा ही है। तो जिस तरह साढ़े इलाके जी मुंजी है उनकी काश्त काफ़ी होंगी है तो काफ़ी डिमांड है, मेरा ख्याल ये हो सकता इक्के सीजन ही पैसे पूरे हो जाए। जिस तरीके कबूटा मशीन वाले करते हैं कबूटा दे कबूटा मशीन का जो रेट 12,000 तो 16-18,000 तक चलिया रहा है तो बड़ी लुटमार मचाई सी मशीन वाले ने। तो यकीन मनो भी जिस बंद भी वो मशीन इस बार कबूटा खरीदी है वो अगले साल नवी लै सकता है, इन्नी कमाई उन्होंने लोगों ने की है। तो बहुत मेहरबानी जुबैर भाई साढ़े किसानों का तुम हाल पेश किया है। तो दोस्तों हम मैनू दो इजाजत, तुहाडा प्रोग्राम मियां मोहम्मद अफजल बट्टू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।